वेलकम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें दिया गया है कि दो नंबर्स हैं जिसके सम को अगर हम डिवाइड करते हैं ग्रेटर नंबर में 1 ऐड करके तो रेशियो होगा 3/2, और अगर हम उसके डिफरेंस को डिवाइड करते हैं स्मॉलर नंबर से तो रेशियो होगा 1/2। तो हमें उन दो नंबर्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम उन दो नंबर्स को लेट कर लेते हैं। लेट द ग्रेटर नंबर is x and the smaller number is y. So अब अगर हम x and y को given conditions में put करें तो हमें दो equation मिलेंगे। So as per condition sum यानी कि x plus y, so x plus y डिवाइडेड बाय ग्रेटर प्लस 1, ग्रेटर इज x, सो x प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 3/2। और अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 3, और 2x माइनस 3x हो जाएगा माइनस x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो हमें पहला इक्वेशन मिल गया। इसी तरीके से अगर हम दूसरे कंडीशन में x एंड y को पुट करें तो हमें मिलेगा डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस होना चाहिए ग्रेटर माइनस स्मॉलर। सो अगेन x माइनस y डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर इज y, सो y हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2। इसे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू y, और 2x माइनस 2y माइनस y हो जाएगा माइनस 3y इज इक्वल टू 0। सो ये हमारा सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं कि पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होगा कि दोनों ही इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाएगा। सो नाउ इक्वेशन 1 × 2 करने पे हमें मिलेगा माइनस 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, और हमारा दूसरा इक्वेशन है इक्वेशन 2 इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। सो अगर हम इन दो इक्वेशंस को ऐड करें तो 2x कैंसिल हो जा रहा है, सो 4y माइनस 3y इज y इज इक्वल टू 6 प्लस 0 इज 6। सो हमें y का वैल्यू 6 मिल गया है। सो अब हम x भी फाइंड कर सकते हैं। इसे हम क्या करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन वन में अगर हम पुट करें तो हमें मिलेगा माइनस एक्स प्लस 2 × 6 इज इक्वल टू 3, और एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 12 − 3 इज इक्वल टू 9। दस एक्स इज इक्वल टू 9 एंड वाई इज इक्वल टू 6। यही हमारा आंसर है। Thank you.